Hello friend, this is Deepak Malviya and today we are going to discuss numerical of prized distilled water. Okay, so already इससे पहले की जो lectures हैं previous जो एक lecture मैंने लिया हुआ है उस lecture में already मैं आपको prized distilled water tank होता क्या है इसका introduction मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि basically prized distilled tank किसको कहते हैं और ये किस तरीके से बनाया जाता है और क्या क्या पार्ट्स इसमें यूज होते हैं क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं तो ये ऑलरेडी मैं लास्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ और आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें बेसिकली एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को शुरू करवा रहा हूँ जिसमें मैं प्राइज डिस्टिल वाटर टैंक के ऊपर जो डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है जो एकदम फर्स्ट स्टेप होता है वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया हुआ है जिसमें डिजाइन दिया हुआ है कि डिजाइन ऑफ स्टे का डिजाइन बोला है लेकिन मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको डिजाइन ऑफ स्टे प्राइज डिस्टिल वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग डेटा स्टे क्या होता है वो लास्ट लेक्चर आप मेरा देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा और आपको डेटा दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटी दी है 120,000 लीटर कैपेसिटी मतलब आपको जो यहाँ पे टैंक डिजाइन करना है प्राइज डिस्टिल वाटर टैंक वो 120,000 लीटर कैपेसिटी के लिए डिजाइन करना है और उस टैंक की हाइट जो आप लोग रखेंगे वो आपको दी है 2.5 मीटर तो यहाँ जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ वो बिल्कुल मिनिमम डेटा के साथ करा रहा हूँ क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे जब दिया रहता है तो उसकी दो कैटेगरीज होती हैं एक कैटेगरी जिसमें हमें सिर्फ कैपेसिटी दी रहती है इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया रहता तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से शुरू करते हैं और किस तरीके से कंप्लीट करते हैं एक वो होता है और दूसरा जो कैटेगरी होती है उसमें हम लोगों को डायमेंशन दे दी जाती है लेकिन हमें सिर्फ कुछ एलिमेंट डिजाइन करने के लिए बोला जाता है तो जब डायमेंशन दे दी जाती है तो उस कंडीशन में हमें डायमेंशन निकालनी नहीं है सिर्फ गिवन डेटा लेके डायमेंशन को मेंशन करके जो एलिमेंट डिजाइन करने के लिए बोला है हम सीधा वो एलिमेंट डिजाइन कर देते हैं बट यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन भी बता रहा हूँ और हर एक एलिमेंट को डिजाइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ मेरे को कैपेसिटी दी है और हाइट ऑफ टैंक दी है अगर नहीं भी दी होती तो मैं आगे बता दूंगा कि आपको उसको कैसे लेना है तो स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने गिवन डेटा लिखा जिसमें कैपेसिटी आपको दी हुई है चूंकि 120,000 लीटर है और ये याद रखिएगा कैपेसिटी या डायमेंशन में से एक चीज आपका हमेशा आपके पास गिवन होगा तो कैपेसिटी अगर लीटर में दी है तो पहले अपन उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम पूरा का जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वॉल्यूम में करेंगे तो वॉल्यूम में करने के लिए हम क्या करेंगे 120,000 लीटर है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 30 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 120 मीटर क्यूब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के बराबर है इसलिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जिससे ये 120 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया उसके बाद हाइट ऑफ टैंक 2.5 मीटर दी है अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी दी है हाइट तो याद रखिएगा आप ट्राई करिएगा कि इसको 2.5 मीटर ही लीजिए क्योंकि लास्ट इसके लिए मेरा आप लेक्चर देखिएगा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर प्राइज डिस्टिल्ड वाटर टैंक के ऊपर दिया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम यहाँ पे प्लेट यूज करते हैं इस टैंक को बनाने के लिए वो जो प्लेट होती है उनका स्टैंडर्ड साइज होता है 1.25 बाय 1.25 मीटर इसका मतलब एक प्लेट जो हाइट कवर कर पाएगी वो 1.25 मीटर की करेगी तो दो प्लेट अगर मैं लगाऊंगा तो 1.25 प्लस 1.25 मतलब 2.5 मीटर हाइट कवर होगी और मैक्सिमम जो आईएस कोड हमें यहाँ पे हाइट परमिट करता है प्राइज डिस्टिल्ड वाटर टैंक में 804 आईएस कोड यूज होता है वो जो हमें हाइट परमिट करता है मैक्सिमम 5 मीटर तक हाइट लेने के लिए बोलता है उससे ज्यादा हाइट हमें ये परमिट नहीं करता उसका रीजन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है तो प्लीज उसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर विजिट करिएगा तो यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है 2.5 मीटर मतलब दो प्लेट से ये हाइट कवर कर रहा है और मैं आगे भी आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर हाइट ना दी हो तो आप इसको 2.5 रखिएगा उसका रीजन होता है कि हम लोग जो इसके अंदर स्टे का प्लेसमेंट करते हैं तो अगर आप 2.5 मीटर हाइट रखोगे तो स्टे का प्लेसमेंट वैसा ही रहेगा लेकिन अगर आप हाइट को चेंज करेंगे तो फिर आपका प्लेसमेंट भी चेंज होता है जिससे पूरे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में चेंजेस आते हैं तो जो हम नॉर्मली रखते हैं मोस्टली जो इतने स्टैंडर्ड बुक्स से आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें हाइट आपको 2.5 भी दिखेगी तो मैंने 2.5 लिया बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं स्टेप नंबर टू में जाएंगे डायमेंशन कैलकुलेशन में वॉल्यूम आपको दिया है 120 मीटर क्यूब टोटल हाइट ऑफ टैंक आपको 2.5 दी हुई है नहीं दी होती तो आप इतनी ही एज्यूम कर लेते एज्यूम फ्री बोर्ड को आपको एज्यूम करना है फ्री बोर्ड आप यहाँ पे क्या होता है तो ये याद रखिएगा कि जो फ्री बोर्ड होता है फ्री बोर्ड का मतलब ये होता है कि जो मार्जिन होता है जैसे टैंक होता है इसकी 2.5 मीटर हाइट है तो हम एक हाइट तक हम अपना लेवल सेट कर देंगे जहां तक पानी भरेगा तो हम बोलेंगे कि टैंक का जो लेवल है वो फुल हो चुका है फुल टैंक लेवल है उसके बाद भी एक टॉप पे हमारा मार्जिन होता है उसके बाद भी एक लिमिट होती है आपके पास जिसमें वाटर स्टोर हो सकता है लेकिन वो आप एक मार्जिन के रूप में आप छोड़ देते हैं उस मार्जिन को आप लोग फ्री बोर्ड बोलते हैं
तो यहाँ पे फ्री बोर्ड जो होता है वो 150 से 200 mm के बीच में आप ले सकते हैं, तो मैंने 150 लिया है, तो ये मीटर में 0.15 हो जाएगा। उसके बाद हम गए हाइट ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, तो टोटल हाइट तो हम टैंक की 2.5 रख रहे हैं लेकिन 0.15 का मार्जिन छोड़ रहे हैं जिसको फ्री बोर्ड बोलते हैं, तो ये हट जाएगी, तो डेप्थ ऑफ वाटर आपके पास सिर्फ कितनी बचेगी 2.35। इसका मतलब वाटर की जो डेप्थ हम कंसिडर करेंगे सिर्फ 2.35 तक करेंगे। इसके बाद हमारे पास जैसे ये हाइट आ जाएगी उसके बाद एरिया ऑफ बेस हम टैंक का निकालते हैं, तो हमें पता है कि बेसिकली यहाँ पे जो प्लेट स्टील की यूज होती हैं वो स्टील की प्लेट जो यहाँ पे यूज की जाती हैं वो स्टैंडर्ड साइज होती हैं, स्क्वायर प्लेट होती हैं, 1.25 by 1.25 की स्क्वायर प्लेट होती हैं। इसका मतलब जो टैंक बनाया जाएगा इन प्लेट का यूज करके तो वो हमें हमेशा ऑलमोस्ट 99.99% टैंक रेक्टेंगल ही बनता है, सर्कुलर तो बन ही नहीं सकता, स्क्वायर बन सकता है लेकिन फिर भी मोस्टली जो चांसेस होते हैं क्योंकि हम हाइट कम रखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में लेंथ और विड्थ अलग अलग आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो मोस्टली 99.99% चांसेस रहते हैं कि टैंक आपका रेक्टेंगल ही बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी टैंक हम लोग रेक्टेंगल कंसिडर करके चलेंगे, तो जो रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, LVH के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम इक्वल LVH ले लिया, जिसमें वॉल्यूम आपका V से रिप्रेजेंट हो रहा है, L मतलब लेंथ ऑफ टैंक है, B मतलब विड्थ ऑफ टैंक है और H मतलब हाइट ऑफ टैंक है। क्लियर, इतना करने के बाद आप लोग आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम मुझे पता है कि 120 मीटर क्यूब के लिए मुझे डिजाइन करना है, लेंथ मुझे नहीं पता तो मैंने L लिख दिया, विड्थ मुझे नहीं पता तो मैंने B लिख दिया, और टोटल हाइट जो टैंक की है वो कितनी ले रहे हैं हम, 2.5 ले रहे हैं, तो 2.5 मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद लेट अज्यूम्ड यहाँ पे L इक्वल B मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इस इक्वेशन बन रही है ये जिसमें दो अननोन है L और B, तो वो दोनों तो नहीं निकल पाएंगे, तो इसके लिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो टैंक है उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ही विड्थ होगी, मतलब अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे या इसका बॉटम व्यू देखोगे तो वो आपको स्क्वायर दिखेगा, लेकिन जब आप इसका साइड व्यू देखोगे तो इसकी हाइट अलग होगी लेंथ अलग होगी तो ये रेक्टेंगल दिखेगा। तो बेसिकली हम लोग इसकी लेंथ और विड्थ को बराबर मान लेते हैं क्योंकि टॉप और बॉटम व्यू के हिसाब से हम टैंक नहीं बनाते, हम साइड व्यू के बेसिस पे बनाते हैं, तो वो रेक्टेंगल ही रहेगा, तो इसलिए एल को बी के बराबर ले लिया, एल और बी बराबर है तो बी की जगह पे भी मैं एल लिख सकता हूं, तो यहां से एल स्क्वायर निकलेगा, इससे एल आएगा 7.145 मीटर। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्लेट हम लोग यूज करते हैं वो 1.25 मीटर के साइज की होती है, मतलब जो टैंक की लेंथ होगी या टैंक की विड्थ होगी या जो टैंक की हाइट होगी वो 1.25 के मल्टीपल में ही ली जाएगी, तो 7.145 को मैं कम तो नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कम करूंगा तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा और मुझे इससे ज्यादा वॉल्यूम के लिए डिजाइन करना है या इतने के लिए, इससे कम के लिए नहीं करना है, तो हम इसको बढ़ा देंगे, और बढ़ा के कितना करेंगे, हम इतना बढ़ाना है जिससे जो मल्टीपल बने वो 1.25 का बने, तो मैंने इसको बढ़ा के 7.5 किया, तो 7.5 जो है वो 1.25 का मल्टीपल होता है, इसलिए मैंने इसको 7.5 किया क्योंकि इसको अगर मैं बढ़ाऊं तो 7.2 भी होता है, 7.3 भी होता है, लेकिन वो 1.25 का मल्टीपल नहीं है, 7.5 1.25 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने इसको बढ़ा के 7.5 किया। इससे जो लेंथ और विड्थ क्योंकि एल और बी बराबर माने हैं तो ये 7.5 मीटर हो गया, इसका मतलब साइज ऑफ टैंक हो गया एल 7.5, विड्थ भी 7.5 और हाइट जो है वो 2.5, जिससे वॉल्यूम प्रोवाइडेड आप निकाल सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया, रेक्टेंगल है तो आपकी जो वॉल्यूम आ रही है वो 132.18 मीटर क्यूब आ रही है, जबकि आपने जो डिजाइन करना है वो 120 मीटर क्यूब के लिए करना है, जबकि हम उससे ज्यादा के लिए ही कर रहे हैं, मतलब हमारे ये डायमेंशन हम ले सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखिएगा, याद रखिएगा आपको कैपेसिटी दी रहेगी, कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वॉल्यूम के बाद आप सिर्फ उसकी हाइट को एज्यूम कर लीजिएगा, हाइट आपको एज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे हमारी लिमिटेशंस है, हम 5 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकते, तो वो चीज को आपको एज्यूम करनी है, उसके रिस्पेक्ट में लेंथ और विड्थ निकालनी, कभी भी लेंथ और विड्थ के रिस्पेक्ट में एच नहीं निकालना क्योंकि एच अगर 5 से ज्यादा आ गया तो वो तो हम दे ही नहीं सकते, आईएस कोड परमिट नहीं करता, तो इसलिए हम पहले हाइट को एज्यूम कर लेते हैं नॉर्मली 2.5 या 1.25 के मल्टीपल में, मैक्सिमम 5 मीटर तक, और उसके रिस्पेक्ट में लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एक कॉमन स्टेप रहेगा आपका, पहले गिवन डेटा देन सेकंड में डायमेंशन निकाल लीजिएगा, और अगर दिए हैं तो ये आप स्किप कर दीजिएगा स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट निकालते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट में आप याद रखिएगा कि इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, थिकनेस ऑफ प्लेट निकालने का, और ना यहाँ पे कुछ कंडीशन हम एज्यूम करते हैं। थिकनेस ऑफ प्लेट यहाँ पे ली जाती है एज पर द आईएस कोड 804/1958 पेज नंबर 14 पे, जब जाएंगे आईएस कोड 804 के 14 में, एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है, उस पेज पे जाएंगे तो वहां पे थिकनेस की कंडीशन दी है कि अगर आप टैंक की हाइट 2.5 मीटर रख रहे हैं, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो बॉटम की प्लेट होगी आपकी, नीचे की फ्लोर की प्लेट, वो 6 mm की लेनी है आपको, और अब
जो साइड वॉल बनेगी आपकी वो 2.5 है, मतलब दो प्लेट से बनेगी, तो बॉटम साइड प्लेट की आपको थिकनेस लेनी है 6 mm और टॉप साइड प्लेट की आपको थिकनेस लेनी है 5 mm अगर आप 2.5 मीटर का हाइट का टैंक बना रहे हैं। अगर ये हाइट चेंज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में ये फिर थिकनेस भी आपकी चेंज होंगी, जो इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इसके लिए 804 आईएस कोड आप यूज करेगा। जैसे ही आपकी ये थिकनेस की कंडीशन लिख लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं, उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्रेजेंट स्टील वाटर टैंक का। और इसमें को कैसे ड्रॉ करना है आपको, तो सबसे पहले आप देखिएगा ये हाइट जो है वो टोटल हमारी हाइट है 2.5, जो कि 1.25 और 1.25 से मिलके बनेगी, मतलब कितनी प्लेट लगानी पड़ेगी, दो। तो देखिए मैंने दो ब्लॉक्स बनाए, मतलब दो प्लेट ये हो गई क्योंकि हाइट 2.5 है। अगर 3.75 हाइट होती तो तीन प्लेट लगाता ऐसी में, क्लियर। उसके बाद लेंथ अपनी कितनी थी 7.5, तो 7.5 को 1.25 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 6, मतलब ये 6 प्लेट लगेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.25, 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
1.5 मीटर है, इसलिए 6 प्लेट बनानी, क्लियर है। उसके बाद इसको सपोर्ट करते हुए इसके नीचे बीम सेक्शन होता है जिसको लॉन्गिट्यूडनल बीम बोलते हैं। तो ये जो बना हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बीम है, और इस बीम को सपोर्ट करने के लिए दो मेन बीम लगाते हैं। तो ये दो मेन बीम है, और मेन बीम के नीचे हम लोग लगाते हैं कॉलम। तो उसके नीचे फिर मैंने ये कॉलम लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये कॉलम है और ये कॉलम है। कॉलम के नीचे फाउंडेशन होती है और यहाँ से आपका जो लोड है वो अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी में आप डायगोनल और हॉरिजॉन्टल बीम लगाते हैं जो विंड वगैरह के इफेक्ट को, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को रजिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई हुई थी, मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया था कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता है, तो जिसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बीम होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेन बीम होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसके लिए आप मेरा फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखिएगा, जिससे आप और भी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर जो आएगी वो थर्ड स्टेप आएगी, जिसमें हम स्टे की डिजाइनिंग करेंगे। तो स्टे की डिजाइनिंग करने के लिए इसका नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें स्टे की हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। स्टे क्या होता है वो सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो उसके लिए लेक्चर नंबर आप 3 देखिएगा, क्लियर है। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल, अगर आप इसी तरीके से वीडियो आगे भी चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।